Hi friends welcome to my channel and welcome to yet another important episode in the series where I'm talking about how you should make notes to crack UGC NET exam in one attempt नाउ आई नो दैट पिछले वीडियोज में आपने देखा है दैट मैंने राइटर्स के बारे में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीजें बताई जो आपको अपने नोट्स में शामिल करनी बहुत जरूरी है किसी भी राइटर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके उसके बायोग्राफी में क्या पढ़ना है उस राइटर जिस एज में लिख रहा था उस एज के बारे में आपको क्या क्या पता होना जरूरी है देन उन राइटर्स के फर्स्ट एंड लास्ट वर्क आपको पता होना चाहिए उन राइटर्स पे दिए गए कुछ क्रिटिकल कमेंट्स आपको पता होना चाहिए और उन राइटर्स के माइनर वर्क्स आपको पता होना चाहिए अब आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारा डिस्कशन ऑन वॉट यू शुड नो अबाउट एनी मेजर वर्क लिटरेचर में इतने सारे इम्पॉर्टेंट एवरग्रीन नॉवल्स प्लेज एंड पोएट्री है फॉर एग्जाम्पल सैम्यूल बेकेच्स वेटिंग फॉर गुडा और विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट वैनिटी फेयर और 1984 बाय जॉर्ज औरविल और इफ़ यू लुक एट पोएट्री देन वी हैव टी एस एल इट्स वेस्टलैंड और जॉफ्री चौसर्स कैंटबरी टेल्स ये सारे ऐसे वर्क्स हैं जिन्हें सिर्फ ऊपर से पढ़ के आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते इन वर्क्स को आपको इन डिटेल पढ़ने की जरूरत है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स whom आई कम अक्रॉस टेल मी दैट हमने तो पूरी पूरी नॉवेल पढ़ी है हमने पेज बाय पेज टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड पेजेस की नॉवल पढ़ ली लेकिन एग्जाम में जब उस नॉवल पे क्वेश्चन आया तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए या कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिटेल समरी पढ़ते हैं क्लिफ नोट्स पार्क नोट्स ग्रेड सेवर ऐसी बहुत सारी फिनोमिनल वेबसाइट है जहां पे इन वर्क्स की समरीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स वो समरीज पढ़ लेते हैं एंड फिर भी वो देखते हैं कि इतने अच्छे से पढ़ने के बावजूद हम एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे और क्योंकि नॉवल्स इतनी सारी है हम एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूज हो जाते हैं सारी नॉवेल्स के बीच तो किस तरीके से नोट बनाए और किस तरीके से इन इंपॉर्टेंट नॉवेल्स को मेमोराइज करें इज समथिंग दैट आई है मैं बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी नॉवल को पढ़ने का राइट तरीका क्या है फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम हो सकता है आप अपने कॉलेज के एग्जाम्स के लिए इन नॉवेल्स को पढ़ रहे हो जो सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव पेपर में नॉवेल्स को पढ़ने का एकदम अलग तरीका है बट फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज डिफिकल्ट एज यू जी सी नेट सिंपली रीडिंग द समरी विल नॉट सफाइस आप कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते अगर आपने सिर्फ नॉवल की समरी पढ़ी है अगर आपने उस नॉवल के की पॉइंट्स को नहीं देखा की एरियाज को नहीं देखा कुछ ऐसी फैक्ट्स आपको नहीं पता जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है किसी भी नॉवल के बारे में वो सारी चीजों को आपको अपने नोट्स का पार्ट बनाना है एंड तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल द मेजर नॉवल्स आर द सब ऑफ द नावल हम देखते हैं कि हम नॉवल को पूरे डिटेल में पढ़ लेते हैं उसकी पूरी समरी पढ़ लेते हैं लेकिन तब भी हमें सब याद नहीं रहता एग्जाम में आप देखेंगे कि यूजीसी नेट के पेपर में हर साल दो से तीन क्वेश्चन सब पे आता है एंड सब टाइटल एक इतना सिंपल टॉपिक है कि अगर आपने मेजर वर्ग्स के सब एक कॉपी में नोट कर लिए और उनके टाइटल्स नोट कर लिए और आपने सिर्फ उसे भी याद कर लिया तो आप वो तीन क्वेश्चंस बिना गलती करें सही कर सकते हैं विद इन फाइव सेकेंड्स तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए अभी यहां समझने की कि हर नॉवल का अगर कोई सब है तो आपको याद होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ बींग अर्निस्ट है मिडिल मार्च है फ्रेंकस्टीन है ये सारे मेजर नॉवल्स इन प्लेस के सब टाइटल हैं क्या आपको पता है आपको फ्रेंकस्टीन की स्टोरी पता होगी क्या आपको पता है कि फ्रेंकस्टीन का सब टाइटल है अगर हाँ तो आई वुड लाइक टू नो दैट इन द कॉमेंट्स बिलो लेट मी सी कि मिडिल मार्च फ्रेंकस्टीन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बींग अर्निस्ट इन तीनों के सब कितने स्टूडेंट्स को पता है

सोच के देखिए यूजीसी नेट में अराउंड 500 हंड्रेड टू सिक्स ऐसी नॉवेल्स हैं जिन्हें इन डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है हम अपने कोर्स में 800 हंड्रेड कवर करते हैं इन डिटेल जिनको एक एक चीज जिनके बारे में हम आपको बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं कि वो समरीज आपके दिमाग में छप जाए लेकिन स्टूडेंट्स जब खुद पढ़ते हैं तो वो जनरली समरी पढ़ के छोड़ देते हैं वो कैरेक्टर्स को मार्क नहीं करते उनका अलग से मेंशन अपने नोट्स में नहीं करते और होता क्या है कि एक महीने में अगर आपने 200 सौ नॉवल्स की समरी पढ़ी तो एक महीने बाद उन सारी नॉवल्स के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं आप 200 सौ नॉवल्स छोड़िए अगर आपने चार्ल्स डिकिन्स के पांच नॉवल्स की समरी एक दिन में पढ़ ली तो आपको अगर मैं अगले दिन पूछूंगी तो आप ट्विस्ट के कैरेक्टर्स को हार्ड टाइम के कैरेक्टर से मिक्स कर देंगे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नॉवल के मेन कैरेक्टर्स आप अलग से नोट डाउन करें और स्पेशल कैरेक्टर्स अलग से नोट डाउन करें क्योंकि नेट में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको नॉवल्स के नाम दे दिए जाएंगे और चार कैरेक्टर्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे अब आप मैच करिए चार नॉवल्स और चार कैरेक्टर्स को इसीलिए आपको हर कैरेक्टर और हर नॉवल के बीच का लिंक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही नहीं स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए हु आर दिस स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल एनिमल फार्म बाय जॉर्ज औरविल इज़ अ बुक विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्वीट सटायर ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे सिम्बलाइज करते हैं रशिया के कुछ पॉलिटिशियंस को तो उन सारे एनिमल्स और वो किन पॉलिटिशियंस को सिम्बलाइज करते हैं ये लिंक आपको पता होना चाहिए राइवल्स करके एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसके अंदर एक कैरेक्टर है मिसिज मैलाप्रॉप मिसेस मैलाप्रॉप का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेन कैरेक्टर नहीं है लेकिन वो कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी इवेंट हुआ दैट वॉज मालाप्रॉपिज्म एक लिटरेरी टर्म है मालाप्रॉपिज्म दैट वॉज बेस्ड ऑन दी हैबिट्स एंड पिक्यूलियर ट्रेट्स ऑफ मिसेस मैलाप्रॉप इसीलिए मिसिज मैलाप्रॉप बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट यू शुड रिमेंबर वैन यू आर रीडिंग राइवल्स सो so, इसी तरह से हर कैरेक्टर्स की आप एक लिस्ट बनाएं छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना लें जिनमें आप प्ले या पोयम या नोवेल का नाम लिखे और सारे मेन कैरेक्टर्स लिखे और उन्हें बार बार याद करें मैंने जब प्रेपरेशन करी थी अपने एग्जाम की तो मैं अपने एक वॉल में सारे स्टिकी नोट्स लगा के रखती थी और दिन में एक बार चलते फिरते उन सारे स्टिकी नोट्स को देखा करती थी और इसी तरह मैंने उन सारे कैरेक्टर्स को याद किया और यही सेम चीज मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने ऑनलाइन कोर्स में करती हूँ बिफोर आई बिगिन एनी नॉवल एंड आई स्टार्ट समराइजिंग इट टू देम आई फर्स्ट टॉक अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स एंड आई एनश्योर डेट ऑल माई स्टूडेंट्स नोट डाउन कैरेक्टर्स एंड लर्न देम अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस की जो हमेशा आपको अपने नोट्स में शामिल करने जरूरी है कोई भी इंपॉर्टेंट नॉवल प्ले या पोएट्री हो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस आपको अपने नोट्स में लिखनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले नेट एग्जाम में जॉन ऑसबॉर्न का फेमस प्ले लुक बैक इन एंगर की स्टार्टिंग की स्टेट सेटिंग क्वेश्चन में पूछी गई और पूछा गया कि ये स्टेट सेटिंग कौन से प्ले से ली गई है एंड स्टेज सेटिंग इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन जो आई थिंक किसी का भी ध्यान नहीं जाता है उसे नोट करने के लिए लेकिन वो स्टेज सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो नेट एग्जाम में पूछी गई इसीलिए कोई भी प्ले आप पढ़ रहे हैं कोई भी नॉवल आप पढ़ रहे हैं इन श्योर दैट उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन अगर फेमस है तो आप उसे अपने नोट्स में लिखें जैसे जेन ऑस्टिन की जो फेमस वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस उसकी ओपनिंग लाइन इज वेरी वेरी फेमस

समरी के बाद में कोटेशंस के लिए एक सेपरेट स्पेस दीजिए और उसमें ये वाला कोटेशन जरूर लिखिए अगर नेट में ये लाइन आपको दे दी गई और पूछा गया कि इन चारों में से कौन सी नॉवेल्स की ये लाइन है तो क्या आप बता पाएंगे हो सकता है आपने आना ना की समरी को बहुत ध्यान से पढ़ा हो बट क्या ये कोटेशन आपको याद रहेगा नहीं अनलेस एंड अनटल आपने नोट्स में ये लिखा है और बार बार उसे याद किया है सो so, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आप उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग की लाइंस याद रखें और कोशिश करें कि अगर उस Uh, पूरे नावल के अंदर ऐसी कुछ स्पेशल कोटेशंस हैं जो आपको कहीं से मिल पा रहे हैं जो इजीली अवेलेबल है टेन फेमस लाइंस रिटन इन प्राइड एंड प्रेज आप नेट पे ढूंढ सकते हैं आपको दस फेमस कोटेशंस मिल जाएंगे वो आप नोट डाउन करिए मुश्किल होता है कई बार स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जगह से ये सब ढूंढना इसीलिए हम अपने ऑनलाइन कोर्स में सब कुछ एक ही जगह आपको देते हैं हमने इतनी सारी फ़ॉरन वेबसाइट्स ऑनलाइन कोर्सेज एज़ वेल एज़ बुक्स को यूज़ करके हमारा कोर्स बनाया है और इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है कि स्टूडेंट्स को उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बट अगर आप ऑनलाइन कोर्स से ना पढ़ना चाहें, तो भी आप मेरी इस बन जाएगा। least, इस में मैं बात करूंगी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपको अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए इंपॉर्टेंट सीन्स इन एनी नॉवल प्ले और पोयम हर नावल में या प्ले में आप देखेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट सीन्स होते हैं जो उस नावल को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने में मदद करते हैं फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ़ द डर्बेविल में एक सीन है जिसमें टेस अपने पुरानी जिंदगी के बारे में सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को एक लेटर में लिख देती है और उस लेटर को अपने हस्बैंड के रूम के नीचे अपने गेट से डालती है लेकिन होता यह है क्योंकि डेस्टिनी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द एंटायर नावल ऑफ़ टेस वो जो लेटर है वो स्लाइड हो कारपेट के नीचे चला जाता है और उसका हस्बैंड कभी पढ़ ही नहीं पाता ये एक बहुत तो सीन है, है अगर आप बात करें टेम्पेस्ट की तो उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो हमेशा हाईलाइट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस नॉवल में हो रहे हैं उसका नोट्स में करें क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना होती है So, that is all about today's video in which I spoke about some important key facts that you should always consider while making your notes. I hope this video was helpful and uh, was able to. Take your preparation in the right direction. I'm going to come back very soon next week with another video in the same series. So don't forget to subscribe to the channel if you have not subscribed. I have also asked a couple of questions in the video. I would want to see the answers of those questions in the comments below. So, with that note, I would like to take your leave. So that's it from my side for this video lecture. I'll meet you very soon in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning. Keep loving literature and stay tuned to arpitakarva.com.